नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए ने ते पंजाब दी सियासत दे विच हलचल है। आखिरकार पंजाब दी सियासत दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दा फैक्टर इन्ना कम क्यों करता? सियासी माहिर मनजीत सिंह मेरे नाल मौजूदा गलबात कर लेने। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद जी। नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए तो हलचल बड़ी तेज़ हुई है, मीडिया ने बड़ी हाइप देती कि नवजोत सिंह सिद्धू आ गया, कोई नवा स्टार आ गया सियासी पंजाब दे विच। क्यों नवजोत सिंह सिद्धू वड्डा फैक्टर बन जाता पंजाब दी सियासत दे विच? ओ वोट कैचर भी है ते आई कैचर भी है। देखो उन्हें लोग सुनना चाहते आ, लोग उन्हें पसंद करते आ, और जिहड़ी उहदी शैली हैगी, शैली उहदा नाम भी हैगा वैसे, तो जिहड़ी बोलण दा उहनां दा लहजा आ, शहरी नाम है, शहरी नाम है सॉरी, तो जिस तरह उहनां दा बोलण दा तरीका हैगा लोग पसंद करते आ। मेरा ख्याल है इस करके वोटां दा मामला तो लोगों के सिर ते ही हुंदा है, तो जो लोग उन्हें पसंद करते होणगे तो कुदरती है कि वोटां स्वे करन दी उन्हां दी कपैसिटी है। इस करके मीडिया भी तो दूजियां पार्टियां भी इस गल दे ध्यान भी रख दियां ते चर्चा भी जारी। पंजाब दी सियासत दे विच नवजोत सिंह सिद्धू किड्डा कु वड्डा फैक्टर है? मेरा ख्याल है कि देखो उन्हां नूं अलग करके ना देखो, कोई भी फैक्टर जे उहदा असल माने च असर होना तो किसी प्लेटफार्म तो होना, मिजाइल जिड्डा मर्जी कोई वड्डा होवे पर जे उहदी डायरेक्शन ठीक नहीं है जां जिथों उहनूं लॉन्च करना लॉन्चिंग पैड ही ठीक नहीं है तो फिर उहदा मिसगाइडेड मिजाइल भी किया जांदा। फिर वो जरूरी नहीं कि जो करना चाहुंदा जिथे टारगेट ते पहुँचना वो पहुँच पाऊगा, इसलिए वो अपने आप च एक वड्डा फैक्टर तो है गया, पर उस फैक्टर का असर देखने को तां मिलेगा जे वो किसी संस्था दे विच जिवें हुण कांग्रेस दे विच आ एक एज ए टीम चलणगे। पर नवजोत सिंह सिद्धू इंडिविजुअल होकर चलते हैं, कितने भी जाते इंडिविजुअल होकर, ना तो प्रधान कुछ समझते हैं ना मुख्यमंत्री कुछ समझते हैं, वो एक इंडिविजुअल तौर पर अपने आप ही मुख्यमंत्री समझ लेंगे, अपने आप ही प्रधान समझ लेंगे, किसी के थले वो काम नहीं कर सकते, जो हल तक नवजोत सिंह सिद्धू की शैली रही है। ये सुभा का हिस्सा आ, पर मेरा ख्याल आ कि 10 महीने वो जेल च भी रहे आ, उत्थे भी उन्होंने सोचा होगा, और वक्त भी सिखाउंदा आ, हालातों की मजबूरी भी सिखाउंदी है, टीम वर्क तो करना पऊगा। जे कोई ये कहे कि मैं कल्ला ही पार्टी नालों उपर आ, पार्टी भावें जिनी मर्जी कमजोर क्यों ना होवे, वो जिहड़ा मैं वाला मामला आ जे वो ज़्यादा भारी हो जाए वो पार्टी का भी नुकसान करवाउंदा तो उन्हां दा अपना भी उहदे च नुकसान हो सकता। प्रोफेसर साहब जदों नवजोत सिंह सिद्धू कल बाहर आउंदे उन्हां दा अंदाज नहीं बदलिया, अंदाज उही रहा बोलण वाला, आपां कहीए कि पिछे पुलिस वाले भी खड़े सी, उन्हां ने केंद्र ते भी निशाने साधे, उन्हां ते भगवंत मान ते भी निशाने साधे, अंदाज उही सी उन्हां दा बोलण दा, शैली भी उही सी गल करन दी, कोई तरीका उन्हां दे विच कोई बदलाव जिहड़ा जेल तों बाहर, आपां कहीए कि अंतर ध्यान होकर बंदा सोचदा जेल च बैठदा सिमरन करदा पाठ करदा भगती करदा शायद हो सकता कोई ज्ञान हो जाता, पर अजिहा कुछ नज़र नहीं आया नवजोत सिंह सिद्धू शैली। चलो ज्ञान बारे तो नहीं असीं कुछ कह सकते, पर शैली उन्हां दी उही सी, अंदाज बिल्कुल उही सी, मैं भी देखिया तुसीं भी देखिया। हो सकता उन्हां नूं इंज लगता होवे कि जे मैं ये अंदाज छड्ड दूंगा तो लोग भी मैनू ना छड्ड देण, तो उन्होंने उस तरीके दबंगी वाला तड़ले वाला स्टाइल अपना रखिया। वो एक अपना देखो फायदा भी है तो एक भय भी रहा, डर भी थोड़ा जहा रहा इस गल का कि क्योंकि जो तड़ले ना बोलते हैं कि वो जी एनर्जी है वो किधर नू सेक ज़्यादा ना ला दे, किधर नू वड्डी अग जो फैलती है तो कि साडा फायदा कर दे जगह नुकसान ना कर दे। इसलिए मेरा ख्याल है कि नवजोत सिंह सिद्धू दियां जिहड़ियां दो अहम लोगों के क्वालिटीज़ हैगियां, उन्हां दियां खूबियां है वो ये कि एक तो धड़ल्ले नाल बोलदे जिहड़ा तुसीं भी दस रहे हैं, दूसरा ये लोग पसंद करते कि वो लालची नहीं है, दूजियां दे अपनी सत्ता की पोजिशन वरत के पैसे इकट्ठे करन च नहीं लगता, यह दो गल्लां लोगों च भावनावां उहदे प्रति बड़ियां स्ट्रोंग है। रही गल जिथे तक कि टीम वर्क की, उत्थे आ के जिहड़ा पेचा थोड़ा पैंदा, मेरा ख्याल है कि वो हुण हाई टाइम आ कि गां इलैक्शन हुण जलंधर वाली भी बाई इलैक्शन आ गई है, 2024 भी बहुता दूर नहीं, तो इस किस्म के करैक्टिव मेजर्स तो पार्टी नूं सोच के करने पैणगे। कल जो नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी प्रधान भी जाएंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी जाएंगे, जेकर नहीं जाते तो इस चीज़ का नुकसान किधर हो रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तो उन्होंने डर लग रहा या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उन्होंने लीडरशिप नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सेप्ट करे? मैं लगता कि असी मेरा ख्याल पंजाबियों की ना एक की कहिए हैंकड़बाजी जां तुसी कह लो ईगो अपनी कि मैं बस ठीक है देखी जो जाता तो जाए जो मर्जी होवे,
वो साढ़े पंजाबियों जिते वह कई बार सूँ फायदा भी होंगे। देखो कि वही लड़ाई किसानों ने जीती है, भी कोई परवाह नहीं, लड़ांगे तो मरांगे तो देखांगे, पर नुकसान ये होंगे कि कई बार असी टीम वर्क नहीं कर पाते। ये असी रोज़मर्रा के जीवन में भी बड़ी व्डे पद्धर से इसनों फेस करते हैं। वो कांग्रेस के अंदर भी आ, वो हर पार्टी के अंदर है, तो जिहड़ियां पंजाबियों दियां पार्टियां होणगियां जिते पंजाबी हैगे आ वो इस गल का सारिया ही पंजाब दे विच असी फेस करते। मेरा ख्याल है कि जे कांग्रेस ने पूरे तौर पर इस एनर्जी का इस शक्ति का जिन्हों नवजोत सिंह सिद्धू कहिंदे है लाहा लैना, तो वो दे अपने भी हित में जरूरी है कि एक कोआर्डीनेटड एफर्ट्स होन जिहदे विच एक दूजे नाल तालमेल बना के चलिया जाए। जिहड़ी गल तुसीं उन्हां दे राजा वड़िंग की गल कही है, बिल्कुल मैं सहमत हाँ कि राजा वड़िंग नूं होना चाहिए सी उत्थे, क्यों वो प्रधान है, वो जिहड़ा प्रधान हुंदा वो ताड़ा निजी तौर पर कोई मतभेद हो सकता नहीं पसंद आ, मैं भी कई गल्लां कह दिंदा, तुसीं भी मीडिया भी गल्लां उन्हां बारे करदा, वो ताड़े विचार हैगे और डेमोक्रेसी च अपने विचार रखण दा हर एक नूं अधिकार है। उहदे बावजूद भी क्योंकि प्रधान तो सारी पार्टी का प्रधान आ, जे राजा वड़िंग जांदे तो शायद उन्हां दीआं कुछ मुसीबतां पार्टी के अंदर जिहड़ी अज असीं गल कर रहे हां वह घटदियां ही, हुण क्योंकि वह नहीं गए, क्योंकि होर लीडर भी नहीं दिखे, उहदे करके कुदरती है कि जिहड़े ये कोई किसी किस्म के शक सूबे पैदा होए होणगे उसनू आयन आउट तो करना पऊ, उन्हूं तो ठीक ठाक तो करना पऊगा। की लगता नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में फायदा होने वाला है, क्योंकि कई बार नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के खिलाफ ही चलन लग जाते, पार्टी के लीडर के खिलाफ ही बयानबाजी कर लग जाते, फायदा होने वाला कि नुकसान, वो कहते ज़्यादातर कई बार नुकसान नवजोत सिंह सिद्धू कर जाते हैं। ये डिपेंड करता कि पंजाब की जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप आ वो किमें अपने आप को कंडक्ट करती है। नवजोत सिंह सिद्धू तो है ही है जिस तरह है, उन्हें तो बदलने का बहुता ना तू लगता ना मैनू लगता, इसलिए सवाल यह है कि जेडे उन्होंने हैंडल करने वाले आ जिथे जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आ कि ये एडी वॉलकैनिक शक्ति जी है लावा लावे की कितनी शक्ति होती है, जाता तो अगर लाता जाता तो दूर तक उछलता, ये जी शक्ति है सारी वो नवजोत सिंह सिद्धू च रब वालों बख्शीश हैगी है। यदा यह फायदा अपने अपने नुकसान करने लेंदे है, फायदा लेंदे है जानू अपने आप ही नुकसान करने पैदा हो जाती है देखने वाली। तुसी लावे का जिक्र किया कि लावे नू फ्री हैंड देना चाहिए चीज़ा, कि फ्री हैंड दे देता जाए जिस हिसाब चलता है, चले जिस हिसाब चलाना है, पार्टी नू चलावे जिस हिसाब चीज़ा करनिया करे, उदो ही लावा सही चल पाऊगा, तुम्हें लगता इस चीज़? नहीं, मैं तो कह रहा तालमेल करना चाहिए, मैं ये थोड़ी कह रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू हूँ एक पार्टी बना के बह जाए, फ्री हैंड का तो मतलब है कि वो आप प्रधान बन जाए तो अपनी एक पार्टी बना ले, इस तरह नहीं मैं कह रहा। किसी भी किड्डा भी वड्डा इंडिविजुअल होए आफ्टरऑल उन्हूं किसी प्लेटफार्म तो ही काम करना पऊ, राजनीतिक किसी सत्ता तो ही काम करना पऊगा, और ढांचा जिहड़ा आ उह जिथे हुण आ पहलां बीजेपी च सी हुण कांग्रेस विच आ, तो दोवें वड्डे ढांचे हैगे आ, उन्हां दे कद मुताबक मैनूं लगता कि उन्हां नूं जगह मिलदी है। उन्हां ने तुसीं नोट कीता हुण आउंदिआं ही राहुल गांधी की तारीफ भी की आ, वो इसे करके आ ना कि वो उन्हां दी गुड बुक्स विच रहना चाहुंदे आ। ये तो नहीं कि केंद्रीय लीडरशिप भी बने रहना चाहुंदे नवजोत सिंह सिद्धू तो पंजाब की राजनीति भी नाल, क्योंकि हिंदी च जदों राहुल गांधी नूं संबोधन कर रहे थे तो हिंदी च स्पीच दे रहे थे, तो जो पंजाब नूं संबोधन कर रहे थे वो पंजाबी च स्पीच दे रहे थे, कितने दोनों लेवल की राजनीति तो नहीं करना चाहते नवजोत सिंह सिद्धू? दो लेवल की तो पार्टी ने फैसला करना, नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ी फैसला करना है कि उन्होंने हुण केंद्र की लीडरशिप च जाना जां पंजाब की लीडरशिप च रहना, पर यह है कि देखो वो तो जुड़िया ही होंगे चीज़ा, ये तो सानू देखण नूं मिलदा, पर जे इत्थों तक उन्होंने कितने कैंडीडेट खड़े होने की गल आ, राहुल गांधी नूं छड्ड लो केरला तो खड़ा हो गए, जां रायबरेली तो खड़े हो जाण, जां पुरानी अपनी सीट तो खड़े हो जाण, वो गल्लां अलग हैगियां, पर नवजोत सिंह सिद्धू मैनू नहीं लगता उन्हूं कितने होर खड़ा करनगे। नैशनल लीडरशिप जिहड़ी तुसीं गल कहिंदे उहदा जवाब तो यही हो सकता, जो पंजाब च खड़े होना तो पंजाब दे विच जिहड़ी पंजाब की पार्टी हैगी है उहदे नाल एक आपस में रापो बिल्डिंग ते तालमेल वो तो जरूरी है। हुण अमृतपाल दे मसले ते आउणा, बड़ा गंभीर मसला पंजाब दे विच, सरबत खालसा दा वी जिक्र आ जांदा, विच अकाल तख्त दा वी जिक्र आ जांदा, ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी इस मसले नूं लै के बड़े गंभीर हो के बैठे आ, की लगता कि पंजाब दी सियासत इस मसले नाल उलझूगी, पंजाब दे हालात इस मसले नाल उलझ जाणगे, जां जिस हिसाब नाल अकाल तख्त चाहुंदा उस हिसाब नाल चलना चाहीदा सरकार नूं? देखो अकाल तख्त तो एक बड़ी देर तो चल आ रही जी चली आ रही है, सिखा का एक स्थान हैगा, सारे वो मर्यादा मानते भी है, नतमस्तक होंगे, पर यह जड़ा एक अमृतपाल फिनोमेना ये तो आप सारे ही जानते हैं, अचानक अचनचेत
ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਹੀਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਉਸੇ ਰੀਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਪ 1 ਪਾਰਟ 1 ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਹੀਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵੋਟ 'ਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਲਗੱਢ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਹੋ ਵੱਧ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਭਜਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਬੰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਗਿਰ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ
भगवंत मान नूं ते डबल प्रैशर दे थले काम करना पै रहा। एक ते केजरीवाल वो नूं खिच्ची फिरदा पिया अपना जहाज़ लिया मैं जाना फलानी जगह मनादी करने इत्थों चकदा वो ते उत्थों दिल्ली उतारदा दिल्ली उतार के उहनूं हूटे दवाउंदा फिरदा। एक ते उह वा दूजा जिहड़ा सरकार स्ट्रोंग सरकार आ अमित शाह उहदे बगैर बार्डर स्टेट है तुहाडा ख्याल है अपने तौर पर सारे फैसले करके करदे उत्थों टुकड़ियां 18 टुकड़ियां आईयां पैरामिलिट्री फोर्स तां ही अमृतपाल नूं अरैसट करन दा घट्टो घट्ट कवायद चली। वो जे फड़िया गया जां नहीं फड़िया गया मैनू ये लगता कि ये नाकामी नालों ज़्यादा एक प्लैनिंग के तहत है और उसका सिट्टा असीं देख रहे हैं कि वो अजे वीडियो भी दे जा रहा सारा कुछ हो रहा पर वो दिखता किसी नहीं तो सारी जगह है अदृश्य सारी जगह है पर किसी नहीं दिखता। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। ये सन प्रोफेसर मनजीत सिंह जिन्होंने विस्तार के नाल दोनों मुद्दों उपर अपनी गल रखी। कैमरा परसन प्रीतम सिंह आशु अनेजा लिबरल टीवी चंडीगढ़।